गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग सब कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक ही होंगे। और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। एक्चुअल में आज हमारे लैंडलॉर्ड आने वाले थे, कल रात को अचानक कॉल करके बोला कि हम आएंगे, तो बोले 8 बजे आने, 8 बजे बोले थे कि 8 बजे आएंगे, पर मैं इसलिए 7:30 बजे उठ गई थी। अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे, मतलब आके अगर बेल बेल बजाए सुनाई ना दे, तो मैं उठ के बैठी हूँ, इंतजार ही कर रही हूँ, पर अभी तक आए नहीं। अभी 9:30 हो गया, अभी तक आए नहीं। पता नहीं आएंगे भी या नहीं, कुछ मैसेज भी नहीं दिया, कॉल भी नहीं दिया कि नहीं आएंगे, पता नहीं। अरे लैंडलॉर्ड यहाँ नहीं रहते हैं, वो लखनऊ में रहते हैं। तो जब से हम इस मकान में शिफ्ट हुए हैं, सिर्फ मतलब फोन पे ही कांटेक्ट हुई है, वो भी बेटे के साथ, मेरे साथ नहीं। मैंने कभी बात नहीं की। मैंने सोचा आएंगे तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स है घर के, वो भी बता देंगे, और मतलब अच्छा है ना, एक बार मेल भी लेंगे लैंडलॉर्ड से। पर पता जे करीब 7:30 बजे करीब मैं फ्रेश व्रेश होके घर झाड़ू लगा लिया, पोछा नहीं किया अभी तक। मैंने झाड़ू लगा लिया और मेडिसिन वगैरह सारा खा लिया, चाय भी पी ली, चाय पी के बैठे हैं। सर में दर्द हो रहा है, नहाने के बाद ठीक हो जाएगा, देखते हैं क्या करते हैं आगे। खाना नाश्ता वगैरह तो बनाने का हमारे घर में सीन नहीं है, बेटा नहीं खाता है, तो मैं भी मतलब भूख लगे तो कुछ खा लेती हूँ, पर अब ऐसा नहीं है रूटीन वाइज जैसे नाश्ता बनाओ खाओ बनाना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं है। मैं दूध कॉर्नफ्लेक्स खा लेती हूँ, कभी ब्रेड चाय ले लेती हूँ, कुछ अपने लिए कुछ स्पेशल कुछ बनाती नहीं हूँ। बेटा खाता तो अच्छा लगता है ऐसा अकेले के लिए बनाने के लिए, जिसका तो यही आदत है कि अकेले के लिए बनाने का मन नहीं करता है। अभी तो कुछ बनाया नहीं, देखते हैं आगे अगर क्या करते हैं। अभी तो खैर भूख नहीं है, खा लिया। मेरे यहाँ एकदम रोड के ऊपर घर है गाइस, वीडियो बनाने में इतना दिक्कत होता है, इतना गाड़ी की आवाज, इतनी गाड़ी की आवाज, मतलब क्या बोले गाइस। मेरा नहाना और पूजा सब कुछ हो गया है, अब बहुत जोरों की भूख लगी है, तो मैं ये लेके बैठी हूँ ब्रेड फ्राई करके, उसमें मेयोनीज लगा के ऐसे खा रही हूँ। बहुत जोरों की भूख लगी है, पता नहीं क्यों आज क्यों जल्दी उठ गई, इस वजह से शायद बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, तो सोचा थोड़ा खा लूँ, उसके बाद खाना उना बनाने की तैयारी करूँगी। पता नहीं आज इतना क्यों भूख लग गई, ऐसे भूख लगती नहीं है मुझे। मैं हर रोज सुबह वही बिस्किट चाय ग्रीन टी और बिस्किट के साथ ही रह लेती हूँ, आज बहुत भूख लग गया है। तो मैं खा लू, फिर जब खाना बनाऊंगी फिर आप लोगों से मिलेंगे। ये मेरे आलू मूली की सब्जी बन गई है, ये आलू मूली की तरी वाली सब्जी, और ये मैंने सलाद कट रखा है। अभी मैं ये बीट ऐसे कर लिया, बीट को ऐसे कद्दूकस से कस लिया, कद्दूकस से नहीं, मैंने वो इससे किया, ये वाली जो होता है ना, इसमें किया करके अब इसको भूजूंगी। मैं अपना चश्मा लेने जा रही हूँ चश्मे के दुकान से, चश्मा बनवाने देके आई थी, तो उन्होंने अभी फ़ोन किया कि चश्मा बन गया है लेके आइए, तो अभी मैं बेटे के साथ चश्मा लेने जा रही हूँ। बेटा गया है ATM पैसे उठाने, उसके बाद हम चश्मा लेने जाएंगे, ठीक है? चश्मा लेके आके फिर आप लोगों से मिलते हैं। हेलो गाइस, चश्मा लेके आ गई, ये है मेरी चश्मा, कपट्टा की शौक तो बेकार कपट, ये है मेरी चश्मा। मैं चश्मा लेके आ गई और वहाँ से कुछ कॉस्मेटिक्स खरीद के लाई हूँ, दो नेल पॉलिश लाई हूँ, एक ब्लैकिश सिल्वर और एक बिल्कुल सिल्वर, ये ब्लैक सिल्वर।
और ये आई लाइनर लाइए, और ये बिंदी, ये मल्टी कलर का बिंदी का पत्ता, ये लाइए। गुड इवनिंग गाइस, अभी हम लोगों ने कॉफी पिया, आज लेट पिया, मतलब लेट हो गया। बेटा मीटिंग में बैठा हुआ है तो वेट कर रही थी, जैसे फ्री हुआ तो मैंने कॉफी बनाया, कॉफी बिस्किट ही लिया। और आज शाम को शायद कुछ नहीं बनाएंगे, एक बार में डिनर बनाएंगे, डिनर ही खाएंगे, क्योंकि सब्जी बना हुआ है। जो सब्जी बनाया था मैंने वो चुकंदर का, बीट रूट का, वो तो मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को, रात को दिखा देंगे कैसे बनाया, उसको कैसे बनाया वो भी तभी बता देंगे। और वो बनाया तो उसके साथ ना बेटे को रोटी बहुत पसंद है, तो बोला मम्मा आज शाम को कुछ नहीं बनाना, रात को रोटी सब्जी खाएंगे। मैंने बोला ठीक है। तो वही अभी तो ऑफिस कर रहे हैं, मैं दूसरे कमरे में बैठी हूँ, बोर हो रही हूँ, तो सोच रही हूँ अभी दीदी को कॉल करूँगी, अगर दीदी फ्री होगी तो दीदी से बात कर लूँगी। तो मैंने सोचा उससे पहले आप लोगों से बात कर लूँ, आप लोग क्या बोलूँ समझ रहे। अभी छोटे वाले भैया का फोन आया था तो वो करते रहता है, बीच बीच में मुझे खबर लेता है, करता रहता है। तो वो वही हम बोल रहे थे कि वो मतलब मेरे घर से बहुत दूर रहता है, क्रॉसिंग में रहता है, क्रॉसिंग शीट हो रही थी, पूजा में क्या करेंगे क्या नहीं, बेटे को छुट्टी मिली है या नहीं, वही पूछ रहे हैं। तो मैंने बोला छुट्टी तो मांगा है, जैसे सैटरडे षष्ठी है और सप्तमी है, मंडे ऐसा कुछ है, मंडे तो अष्टमी नवमी दशमी, तीन दिन की छुट्टी मांगी है बेटे ने। तो हाँ ना ना ना, षष्ठी के दिन सैटरडे है, तो जो भी हो कुछ भी हो मतलब तीन दिन की छुट्टी ले है। अब अप्रूवल हुआ नहीं है, वही मैं भैया से बोल रही थी कि छुट्टी का तो अभी अप्रूवल दिया नहीं ऑफिस से, देखो क्या करता है, दे देगा भैया बोल रहा है दे देगा, क्योंकि भैया मेरे भैया जहाँ ऑफिस करते हैं इसी ऑफिस का पूरा इंडिया हेड थे पहले, तो उन्होंने छोड़ दिया, फिर अपना बिजनेस कर रहे हैं अभी, तो उसमें नहीं करते हैं अभी। तो उस ऑफिस के सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ पता है उनको, तो मैंने वही पूछ रही थी उनसे, तो बोला दे देगा छुट्टी दे देगा, क्योंकि बंगाली का तो यही साल में एक सबसे बड़ा पूजा होता है, तो दे देगा छुट्टी। तो जो भी हो तो भैया आएंगे सप्तमी को, भैया ने बोला कि षष्ठी के दिन तो किसी किसी जगह ना दुर्गा प्रतिमा का फेस खुलते भी नहीं है, रात को खुलते हैं, तो बोले कि षष्ठी के दिन नहीं आएंगे, हाँ सप्तमी के दिन आएंगे भाभी को लेके, क्योंकि उनका बेटा भी जॉब के पर्पज जॉब मिल गया, अभी वो पुणे में चला गया और उसको छुट्टी नहीं मिलेगा, बेचारा आ नहीं पाएगा, बहुत मिस करूँगी उसे, बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, क्योंकि मेरा बेटा और ये भैया का बेटा मतलब छोटे से एक साथ बड़ा हुआ है, ट्विंस की तरह एक साथ बड़ा हुआ है। और हमारी शादी भी छोटे वाले भैया जो उस दिन आए जो थे घर पे, उन जहाँ भी जाते थे भैया लोगों के साथ एक साथ, उनके साथ एक मतलब अलग सा अटैचमेंट है हमारा, भाई है वो तो है, पर भाभी के साथ भी, भाभी भी बहुत अच्छी है, आपने देखा ही होगा उस दिन, भाभी अच्छी है, छोटी वाली भाभी अच्छी है। तो वही अब वो नहीं रहेगा पूजा में, मतलब बेटे का भी, मेरे बेटे का भी मन बहुत खराब हो गया, बोल रहा था उसका नाम सत्या है, संजू भी है, तो बोल रहा था संजू नहीं रहेगा, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करेगा जो यही है ना लाइफ, मतलब टर्निंग पॉइंट आता है ये, जॉब मिलने के बाद सब इधर उधर हो जाते हैं, है ना, सब पता नहीं कैसे कैसे हो जाते हैं, सब अलग हो जाते हैं। तो वही वो तो नहीं रहेगा, भैया आएगा, तो भैया के साथ, भैया ने बोला सप्तमी के दिन हम मैं आऊँगा और तुम लोगों को थोड़ा मुझे हमें और बेटे को थोड़ा सा घुमा देगा, यही एक साथ मतलब सब घूमेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, उसके बाद बस हम दोनों का मतलब छोटे वाले भाई के साथ, मम्मी पापा और छोटे वाले भाई और मैं, हम ज़्यादा दिन एक साथ रहे, भैया बहुत अच्छे हैं,
बहुत अच्छा है, मेरे हर मतलब सिचुएशन में मुझे उसने सपोर्ट किया, मतलब मेरी लाइफ में जो कुछ ऐसे ऐसे स्टेप आए, मतलब जिंदगी में मेरे खराब जो समय होते हैं ना, बोलते हैं ना खराब टाइम, उसमें भैया ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, छोटे वाले भैया ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया। वो उनका दिल अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो सिर्फ मैं बहन हूँ मेरे लिए नहीं, मतलब जो भी कोई है उनका दिन बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही है, भगवान करे उसका बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। मेरा बेटा भी बोलता है मामा जी इतने अच्छे हैं, मतलब हम कुछ भी करते हैं और उससे पूछ के ही करते हैं, अच्छा लगता है उसके साथ, मतलब जो भी हो। तो वो दुर्गा पूजा के दिन उस दिन मिलेंगे, उसके बाद देखते हैं, फिर अगर यहाँ आने के बाद भाई को अच्छा लगेगा तो फिर नेक्स्ट डे भी शायद आ जाए, या क्या करते हैं देखते हैं। चलिए तो फिर आप मतलब दीदी दीदी का भी मतलब बीच वाली सिस्टर का पिछले साल दीदी के साथ थी वहाँ जमशेदपुर में, इतना एंजॉय किया और पूछोगे नहीं, मतलब खाना उना बनाना नहीं, मतलब सुबह सिर्फ सोके उठो, तैयार हो, घूमने निकल जाओ, दोपहर को मतलब बाहर ही खाना पीना, फिर आओ रेस्ट करो, फिर शाम को तैयार हो जाओ, फिर निकल जाओ, रात भर घूमो, मतलब रात भर मतलब रात एक डेढ़ दो बजे ढाई बजे तक घूमते हैं वहाँ पे। तो जमशेदपुर में तो बंगाल में जैसे पूजा होता है वैसे बहुत सुंदर सुंदर पूजा डेकोरेशन, पेंडल का कंपटीशन होता है वहाँ पे, इतने अच्छे अच्छे पेंडल्स बनाते हैं, कंपटीशन होता है, तो वो सब देखने के लिए ना रात को ही निकलना पड़ता है, नहीं तो दिन में अगर निकलोगे ना आप अंदर जा भी नहीं पाओगे, इतनी भीड़ है, इतना भीड़ है। तो इसलिए हम लोग रात को मतलब निकलते थे, जैसे 8, 8:30, 9 बजे निकलते थे, पूरी रात घूम के एकदम पेंडल के अंदर जाके देख के आराम से, बहुत इंजॉय किया पिछले बार, बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया वहाँ पे। इस बार बहुत मिस करूंगी दीदी को, दीदी को बोल ही रही हूँ, बात करती रहती हूँ, दिन में 2 बार 3 बार जितना बार हो सके दीदी से बात करती हूँ, ना करूँ तो गुस्सा करता है, बोलता है कहाँ रे तू, कहाँ पे बिजी है, आज कॉल नहीं किया ऐसे बोलता है, तो उससे बात होती रहती है। तो जाएंगे जी, जी मतलब जीजा जी भी बहुत दिलदार इंसान है, बहुत अच्छे है, मतलब इतना अच्छा है, कोई मतलब एज ए कैरेक्टर बहुत अच्छे इंसान है, सबके लिए करते हैं, ऐसा नहीं जैसे वो अपने फैमिली के लिए करते हैं वैसे, मतलब दीदी का फैमिली जैसा हम लोग है तो हमारे लिए भी वो करते हैं, बहुत अच्छे हैं सब, बहुत अच्छे सब बच्चे। अब पता नहीं मैं कैसी हूँ मुझे नहीं पता, उनका एक ही बेटा है, मेरा भी एक ही बेटा है, एक बेटा नहीं मेरा तो दो बेटा है, एक साथ में है एक दिल के अंदर है। तो और ये छोटे वाले भैया उनका भी एक ही बेटा है, बस मुझसे बहुत अटैचमेंट था पहले, आप क्या है बड़ा हो गया थोड़ा सा शांत टाइप का हो गया वो, मतलब उतना बोल नहीं सकता है, बोलता है ना कुछ बच्चे बोलते हैं दिखाते हैं, वो दिखा नहीं सकता बोला, पर ना जैसे कभी कभार मैसेज करता है मौसी जी आप कैसे हो, ठीक हो, अपना ध्यान रखना, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बेटा भी बहुत अच्छा है, माँ बाप अच्छा है तो बेटा अच्छा होगा, होना ही है। तो यहाँ भी छोटे भाई भाई बेटा सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। तो फिर मेरे मम्मी पापा दोनों ही नहीं है, दोनों एक्सपायर हो गए, तो पहले पापा चले गए, उसके बाद एक साल ऐसे बड़ी मम्मी का भी एक्सपायर हो गया। अभी भाई ये छोटे भाई और बीच वाले दीदी ये दोनों ही हैं मेरे लिए सब कुछ। तो भगवान है, मैं बोल सकती हूँ एक स्टेप पे, मतलब भगवान मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे सबके लिए भगवान है, जो अगर आप दिल से बुलाओगे ना उनको, सबको सपोर्ट करते हैं भगवान, सबको सपोर्ट करते हैं। तो गाइस
आज का वीडियो यहीं तक। आप मुझे लाइक कमेंट शेयर कर देना, मेरे सब्सक्राइब कर देना अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। तो आज यहीं तक, फिर कल मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।